गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स में आज हम आप लोग को एक्सरसाइज वन बी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। आपको एक्सरसाइज वन बी में नंबर्स के कंपैरिजन के बारे में स्टडी करना है कि नंबर को कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन के कुछ सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं। सिंबल्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग 3 सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। नंबर वन में इक्वल, इसको पढ़ते हैं इक्वल टू, यानी कि बराबर। नंबर टू में इस तरह का सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, यानी कि ज्यादा या बड़ा, उससे बड़ा या उससे ज्यादा। और तीसरा है स्मॉलर देन, यानी कि छोटा, उससे छोटा। यानी कि लेफ्ट साइड वाला को हम लोग राइट साइड से कंपैरिजन करते हैं कि लेफ्ट वाला इक्वल है कि बड़ा है कि छोटा। रोज टू कंपैरिजन, ऑफ नंबर्स, नंबर को कंपैरिजन करने के कुछ नियम हैं, जिसमें पहला नियम आपका आता है कि इन द नंबर विथ लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर with more digits। पहला नियम यह है कि जिस नंबर में डिजिट की संख्या कम है, वह डिजिट, जिस डिजिट में नंबर की संख्या ज्यादा है उससे छोटा होता है। जैसे एग्जांपल में 1999 और राइट साइड में ले लेते हैं 2875। इसमें जनरली लेफ्ट साइड को कंपैरिजन किया जाता है, तो लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 डिजिट और राइट साइड में 1 2 3 4 डिजिट। इसमें टोटल 4 डिजिट है, इसमें टोटल 5 डिजिट, तो 5 डिजिट वाला बड़ा होगा क्योंकि इसमें डिजिट की संख्या ज्यादा है, और 4 डिजिट वाला छोटा होगा क्योंकि इसमें डिजिट की संख्या कम है। तो छोटा बड़ा, चूंकि इसको कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेटर देन के सिंबल, यही बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल देंगे।
नंबर टू बी में 100999 इसमें देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट और इसमें टोटल 4 डिजिट है। इसमें 5 डिजिट ज्यादा है इसलिए बड़ा होगा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन होगा। एग्जांपल नंबर 3 2 5 8 7 1 0 2 0 1 इसमें देखते हैं लेफ्ट साइड में 4 डिजिट है, राइट साइड में 5 डिजिट है। तो लेफ्ट साइड में 4 डिजिट कम है, राइट साइड में ज्यादा है, इसलिए लेफ्ट साइड वाला कम होगा, यानी कि लेस देन का सिंबल लगाएंगे, स्मॉलर देन। स्मॉलर देन या लेस देन दोनों सेम चीज है। इस तरह से ये पहला रूल हो गया। रूल नंबर टू, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, देन the number with greater left most digits is greater. And if the leftmost digit is are equal, then the next digit from left are considered. And so on. रूल नंबर टू कहता है कि यदि डिजिट की संख्या सेम है तो लेफ्ट तरफ से कंपैरिजन करेंगे। अगर लेफ्ट में दोनों तरफ सेम नंबर है, सेम डिजिट है, तो उसके बाद वाला फिर डिजिट कंपैरिजन करेंगे। अगर वो भी सेम है तो फिर उसके बाद वाला आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से जिसमें जहां पर हमें ज्यादा मालूम पड़ेगा या कम मालूम पड़ेगा वहीं से उसको कंपैरिजन करना है। जैसे एग्जांपल में 2783 5 से 2783 अब यहां देखते हैं तो
इसमें 4 डिजिट्स हैं और लेफ्ट साइड में और इधर भी 4 डिजिट, दोनों तरफ 4 डिजिट्स हैं। अब कंपैरिजन, जब 4 डिजिट्स बराबर हो गए तो कंपैरिजन करते हैं, लेफ्ट साइड से 2 तो इसमें भी 2 इक्वल हो गया, तो अभी अगला में चलेंगे, फिर 2 7 तो इसमें 7 ये भी बराबर हो गया, 8 तो 8 इसमें भी बराबर है, 3 तो 3 ये भी बराबर, यानी कि सभी के सभी बराबर, दोनों बराबर हो गए, इसलिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल देंगे। नंबर 2B में यहाँ देखते हैं, इसमें कंपैरिजन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दोनों में है, तो उसके बाद लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करेंगे, यहाँ 5 तो 5 बराबर हो गया, 2 तो 2 बराबर हो गया, 8 तो इसमें भी 8 है बराबर हो गया, उसके बाद 7 और यहाँ पर 0, 7 ज्यादा है 0 कम, इसलिए 7 इस तरफ ज्यादा हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 2 7 0 5 6, 9 2 7 0 6 9। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं दोनों में, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट सेम है, तो अब लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करेंगे, 9 तो 9 2 तो 2 7 तो इसमें भी 7, 0 तो इसमें भी 0, 5 तो इसमें आ गया 6, तो 5 कम है 6 ज्यादा, यहाँ तक बराबर गया था, लेकिन पांचवा प्लेस पर लेफ्ट से यह कम हो गया 5 और 6 ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया इसलिए 5 लेस देन होगा। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद आपको अरेंज करने के लिए इसमें सीखना है, अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप बड़ा छोटा करने के लिए जान जाते हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसको समझा देते हैं। नंबर 1 में असेंडिंग ऑर्डर मतलब टू राइट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, यानी छोटा से बड़ा नंबर लिखना, सबसे छोटा से शुरू करना है और उसको बढ़ाते हुए चल जाना है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर को लिखना। दूसरा नंबर है डिसेंडिंग
order. To write largest to or smallest number. यानी सबसे बड़ा से सबसे बड़ा से शुरू करना है और छोटा की ओर लिखते हुए चला जाना, इसी को कहते हैं सेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये दो इसको भी बना लेना है आपको एस डब्ल्यू के रूप में। एक्सरसाइज 1B का पूरा कंप्लीट कर लेना है 1 to 14। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।